गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग अलोइंग लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, या इसे हम एरिड और सेमी एरिड लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। वो सारे लैंडफॉर्म जो बहती हुई हवा द्वारा या पवनों द्वारा बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलोइंग लैंडफॉर्म्स कहते हैं। इससे पहले हमने फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पढ़े थे। जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स थे वो कौन से लैंडफॉर्म्स थे, जो बहते हुए पानी द्वारा बनाए जाते हैं या नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। विंड द्वारा निर्मित लैंडफॉर्म्स हैं वो दुनिया के उन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं जहां का मौसम एरिड या सेमी एरिड है, यानी शुष्क या अर्धशुष्क है। वो इलाके हमारे सारे क्या हुए, शुष्क और अर्धशुष्क इलाके हुए, जहां नमी की और पानी की क्या है, कमी है। क्योंकि वहां नमी और पानी नहीं है तो वहां पे जो वायु होती है उसका जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट जो होता है इरोजन का, वो आपका क्या हो जाता है, विंड्स हो जाती है। दो टर्म आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, विंड्स एंड एयर। इसमें क्या डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं। विंड बेसिकली क्या है, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। हवा, जैसे अगर आप रूम में हैं, पंखा नहीं चल रहा है तो आपके रूम के अंदर क्या है, एयर है, लेकिन उसमें मोशन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फैन चलाते हैं वो जो एयर है वो क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो जब एयर मोशन में आ जाती है यानी चलने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। सो एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। आपका जो एलोइन एनवायरमेंट है, यानी ऐसे इलाके जो शुष्क या अर्धशुष्क हैं, दुनिया के बहुत बड़े भाग में ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। और माना जाता है कि लगभग 30% जो दुनिया का लैंड सरफेस है, जो भूमि है, वो या तो शुष्क है या तो अर्धशुष्क है। शुष्क मतलब हुआ बिल्कुल जो रेगिस्तान होते हैं, चारों तरफ रेत ही रेत होती है। अर्धशुष्क मतलब कि रेत तो होती है लेकिन साथ में जो थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन होती हैं वो भी वहां पाई जाती हैं, खासकर कैक्टस और उससे जो मिलती जुलती प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं वहां पे पाए जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्धशुष्क कहते हैं। तो हमारे दुनिया के जो महत्वपूर्ण शुष्क और अर्धशुष्क इलाके हैं, जैसे आपका सहारा और सेंट्रल एशियन प्रोविंस जो है वो बहुत बड़ा जो रेगिस्तानी इलाका है वो है पूरा सहारा। आपका पूरा अरब जो है वो क्या है, रेगिस्तानी इलाका है। उसके अलावा आपका सदर्न अफ्रीकन प्रोविंस जो है, नामीबिया और कालाहारी डेजर्ट के आसपास वाला क्षेत्र, वो भी आपका रेगिस्तानी है। साउथ अमेरिका में अगर बात करें तो अटाकामा और पेटागोनिया, ये भी हमारे क्या है, रेगिस्तानी इलाके हैं। नॉर्थ अमेरिका में आपके मोजोव, एरिजोना, सोनोरन डेजर्ट, ये पूरे रेगिस्तानी इलाके हैं। और अगर आपको पता हो तो ऑस्ट्रेलिया 90% क्या है, डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट पूरा के पूरा क्या है, रेगिस्तानी है, शुष्क है या अर्धशुष्क है। उसका जो ईस्टर्न प्रोविंस है, ईस्टर्न इलाके के जो क्षेत्र हैं वो मुख्यतः रहने योग्य है, मौसम वहां का अच्छा है। तो आपकी विंड्स हैं ये दो तरह से इरोजन करती हैं, एक तो आपका डिफ्लेक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया, आपका एब्रिजन हो गया, और साथ में एट्रिशन भी ये करती है। डिफ्लेक्शन के बारे में, एब्रिजन के बारे में और एट्रिशन के बारे में इससे पहले जब हम लोगों ने इरोजन की क्लास ली थी तो हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म के साथ, यानी वो सारी स्थलाकृतियां जो किसके द्वारा बनती हैं, जो अपरदन द्वारा निर्मित होती है, यानी वायु अपरदन से जो स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, अपरदन द्वारा निर्मित स्थल। अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्थलाकृति है उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन बेसिन। क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन बेसिन, हिंदी में वात गर्त भी कहते हैं। तो डिफ्लेशन बेसिन क्या है, डिफ्लेशन बेसिन के बारे में पहले भी बात हुई थी और मैंने आपसे बताया था कि जब वायु चलती है तो वो करती क्या है कि रेत के वो असंगठित पदार्थ जो जमीन में पड़े हैं, अनकंसोलिडेटेड, उस रेत को वो क्या करती है, उठा लेती है, पिकअप कर लेती है। और उसकी वजह से वो लंबे समय में जब उस असंगठित रेत को उठाती रहती है तो उस जगह पे क्या बन जाता है, एक डिप्रेशन बन जाता है। इसी डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेशन बेसिन, यानी डिफ्लेशन। ऐसे बहुत सारे डिफ्लेशन बेसिन जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो रेत को पिकअप कर रही होती है, उठा रही होती है, तो वो काफी गहरा गड्ढा बना देती है। और कई बार ये डिप्रेशन इतना गहरा होता है कि जो भूमि का जल स्तर है वो वहां तक पहुंच जाता है। और जैसे ही भूमि का जल स्तर तक पहुंचता है वो जो डिप्रेशन है उसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। तो आप देख सकते हैं ये डिप्रेशन है डिफ्लेशन वाले, और इसमें आप बीच में पानी देख सकते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में जब पानी इस तरीके से मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, ओएसिस। तो डिफ्लेशन बेसिन कभी कभी ओएसिस का फॉर्मेशन करते हैं, हमेशा नहीं, कुछ रेयर केसेस में डिफ्लेशन बेसिन क्या करते हैं, ओएसिस का फॉर्मेशन करते हैं। डिफ्लेशन बेसिन जो है इसे ब्लोआउट भी कहते हैं और डेजर्ट हैलोज भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला जो स्थलाकृति है उसे मशरूम रॉक कहा जाता है, हिंदी में छत्रक शिला कहते हैं। मशरूम रॉक आप तस्वीर में देख सकते हैं ये किस तरह से दिख रही है, मशरूम के जैसे दिख रही है, ठीक है। इसका बेस छोटा है और जो ऊपर का इसका कैनोपी है वो बहुत बड़ी है। तो रेगिस्तानी इलाकों में जब इस तरह का मशरूम के आकार का रॉक पाया जाता है तो उसे हम मशरूम रॉक कहते हैं। मशरूम रॉक जो है उसका फॉर्मेशन होता कैसे है, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि ये जो रॉक था पुराने समय में, ये पूरा बड़ा रॉक था जो जमीन से जुड़ा हुआ था, नीचे का हिस्सा पूरा मिला हुआ था जमीन से। अब रेगिस्तानी इलाकों में जब हवा चलती है तो होता ये है कि जब हवा चलेगी तो रेत के जो भारी कण होते हैं
वो हवा के निचले स्तर में होते हैं और रेत के हल्के कण कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। यानी सबसे भारी कण जो रेत के हैं वो आपको क्या कहाँ मिलेंगे, हवा में नीचे की तरफ मिलेंगे। और वायु में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ उठेंगे जो उसका वेट होगा, वजन होगा, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब हवा चलती है और टकराती है तो वो बड़े रॉक्स के जो निचले हिस्से हैं उनसे ज्यादा जो कण है, भारी जो कण है वो टकराते हैं, और ऊपरी हिस्से से कैसे टकराते हैं, हल्के कण टकराते हैं। लंबे समय में होता यह है कि क्योंकि निचले हिस्से से भारी कण टकरा रहे हैं तो रॉक के निचले हिस्से का अपरदन ज्यादा होता है, तो इस तरीके से रॉक का जो निचला भाग है वो ज्यादा अपरदित हो जाता है। और यदि स्थिति ये है कि उस रेगिस्तानी इलाकों में चारों दिशाओं से साल भर अगर हवाएं चलती हैं, कभी एक दिशा से कभी दूसरे दिशा से, तो धीरे धीरे उस रॉक का जो चारों तरफ का निचला हिस्सा है वो क्या हो जाता है, अपरदित हो जाता है। और इस तरीके से मशरूम के आकार का रॉक बचता है जिसे हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक्स कहते हैं। इसके अलावा जो अगला आपका फीचर है इसे इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग बेसिकली क्या है, रेसिडुअल हिल्स हैं। कहाँ है, क्या है, रेसिडुअल हिल्स जो आपके अर्धशुष्क इलाकों में या शुष्क इलाकों में क्या होती है, पाई जाती है। तो इस तरीके के जो आपके जो जो रेसिडुअल हिल्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। इंसेलबर्ग के बारे में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रोवर्सी इंसेलबर्ग के बारे में ये है कि इंसेलबर्ग दुनिया के उन इलाकों में पाए जाते हैं जो आज की तारीख में शुष्क और अर्धशुष्क नहीं है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके बारे में कि जो इंसेलबर्ग्स हैं वो वायु द्वारा बनते हैं या कुछ लोगों का मानना है शायद ग्लेशियर्स द्वारा बनते हैं। तो इंसेलबर्ग्स की जो फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन फिलहाल हम इंसेलबर्ग को किसमें पढ़ेंगे, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में ही पढ़ेंगे। अगला जो स्थलाकृति है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे कहते हैं डोमिसाइल्स। क्या कहते हैं, डोमिसलीज कहते हैं। तो ये जो डोमिसलीज है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये क्या है, पिलर्स हैं बेसिकली। और इन पिलर्स के ऊपर क्या है, देखिए आप, ये रॉक है। सब पिलर के ऊपर क्या है, एक एक रॉक पड़ा हुआ है। ये पीछे एक पिलर है, इसका रॉक गिर गया है, लेकिन पिलर के टॉप में क्या है, रॉक है। तो इस तरह के ऐसे पिलर जिनके टॉप में क्या हो, एक रॉक हो, उसे हम क्या कहते हैं, डोमिसलीज कहते हैं। इन्हें होडू भी कहा जाता है, टेंट रॉक भी कहा जाता है, फेरी चिमनी भी कहा जाता है, और अर्थ पिरामिड्स भी कहा जाता है। ये जो फीचर है इसके बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कल्पना कीजिए कि आप कहीं पे हैं, एक रेत पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, और उसके ऊपर एक भारी सा पत्थर पड़ा हुआ है। यानी जमीन के पास आप खड़े हैं, वहां पे एक भारी सा पत्थर है और उसके नीचे मिट्टी है। अब जब बारिश होगी या आप पानी बहाएंगे तो पानी क्या होगा, रॉक के जो नीचे वाली जो ठीक मिट्टी है उसे अपरदित नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके अगल बगल की मिट्टी को अपरदित करते हुए आगे की तरफ बह जाएगा। रॉक के नीचे वाली मिट्टी को ठीक अपरदित क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं अपरदित पाएगा, जो वेट रॉक का नीचे पड़ रहा है मिट्टी पे वो वजन क्या करेगा, मिट्टी को कठोर बनाएगा, मिट्टी को क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो पत्थर के ठीक नीचे की मिट्टी अपरदित नहीं होगी, लेकिन बहता हुआ पानी अगल बगल की जो मिट्टी है उसे अपरदित करके क्या चले जाएगा, लेके चला जाएगा। तो उससे होगा क्या कि रॉक के ठीक नीचे की जो मिट्टी है वो अपरदित नहीं होगी और अगल बगल की मिट्टी जो है वो अपरदित होती चली जाएगी, और लंबे समय में इस तरह की जो आकृति है उनका निर्माण होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम डोमिसलीज या हुडू रॉक्स जिन्हें हम कहते हैं। अगला जो आकार है, आकृति है, इसे हम कहते हैं ज्यूजन। ज्यूजन जो है ये बेसिकली आपके रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पे आपका ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में क्या होती है, ठंडी होती है। तो जब दिन में गर्मी होती है और रात में ठंडक होती है तो रॉक एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और आपको जब मैंने वेदरिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था इस प्रक्रिया में चट्टानों में क्या पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं। और जब इसमें दरार पड़ जाता है तो उस दरार से होते हुए जो पानी है, जब कभी कभी बारिश होती है या जो हवा है वो अंदर की तरफ जाती है और उसके नीचे जो रॉक्स हैं उनका क्या करती है, अपरदन करती है। अब आप समझिएगा कि ज्यूजन जो है उसका निर्माण होता कैसे है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। बनी है तो जो ऊपरी लेयर है वो किससे बनी है, वो हार्ड रॉक से बनी है, और जो निचली लेयर है वो किससे बनी है, वो सॉफ्ट रॉक से बनी है। अब होगा क्या कि लंबे समय में इसमें दरारें पड़ जाएंगी, क्योंकि ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, और दरार पड़ के बीच में क्या बन गया, गैप बन गया। अब क्योंकि ऊपर वाला रॉक तो हार्ड था लेकिन नीचे वाला रॉक क्या है, सॉफ्ट है, तो वायु और पानी जब इसमें घुसेगा तो नीचे वाली जो जो लेयर है इसका अपरदन क्या करेगा, अच्छे से कर देगा, यानी खूब सारा जो इरोजन है वो इसका कर देगा। और जब इसका ज्यादा इरोजन होगा तो नीचे वाले हिस्से का जो गैप है वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी नीचे अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऊपर वाला अपरदन कम होगा और नीचे वाला अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए इस तरीके से होगा क्या कि एक आकृति बनेगी ऐसी जो कैसी दिखाई दे रही है, जो इंक पॉट शेप है। किस शेप की है, इंक पॉट शेप की है। तो इस तरह के इंक पॉट शेप की जो आकृति है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ज्यूजन कहते हैं। और ये कब बनती है, जब आपके हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो कैसे बेडेड हो,
हॉरिजेंटली एक दूसरे के ऊपर क्या हो, बेडेड हो, एक हार्ड रॉक हो फिर सॉफ्ट रॉक हो फिर हार्ड रॉक हो फिर सॉफ्ट रॉक। तो ये जो ज्यूजन है ये कैसे दिखाई देती है, जैसे आपके इंक पॉट होती है, इंक पॉट के शेप की आकृति ज्यूजन में बनती है। दूसरे जो फीचर है इसे हम कहते हैं यार्डांग्स। क्या कहते हैं? यार्डांग्स। ये जो है वो ज्यूजन जो है और जो यार्डांग्स है इसमें डिफरेंस इतना है कि ज्यूजन में जो बेड थे वो क्या थे, हॉरिजेंटली बेडेड थे, यानी ऊपर हार्ड रॉक थी फिर नीचे सॉफ्ट रॉक फिर हार्ड रॉक फिर सॉफ्ट रॉक। तो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक कैसे बेडेड है, हॉरिजेंटली बेडेड है। लेकिन कल्पना करिए कि रेगिस्तानी इलाकों में हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक जो है वो वर्टिकली बेडेड हो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो एक जो पिलर है वो हार्ड रॉक का हो फिर सॉफ्ट रॉक का हो फिर हार्ड रॉक का हो फिर सॉफ्ट रॉक का हो, तो होगा क्या कि जब वायु चलेगी तो क्योंकि ये वर्टिकली बेडेड है तो दो हार्ड रॉक के बीच का जो सॉफ्ट रॉक वाला जो इलाका है उसे वायु क्या करेगी, अपरदित कर देगी, लेकिन हार्ड रॉक जो है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इस तरीके से जब वर्टिकली बेडेड होते हैं आपके जो लेयर्स हैं बेड्स जो है तो किसका फॉर्मेशन होता है, यार्डांग्स का होता है, और जब हॉरिजॉन्टली बेडेड होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, ज्यूजन का फॉर्मेशन होगा। अब जब विंड यहां से चल रही है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चल रही है तो होता यह है कि ये जो पूरा जो आपका यार्डांग है इसका जो अगला हिस्सा है उससे भी विंड टकराती है और इसके अगले हिस्से में ऐसे नीचे की तरफ क्या करती है, अपरदन कर देती है। तो इसका जो यार्डांग का जो अगला हिस्सा होता है वो क्या होता है, क्लिफ शेप्ड होता है। किस आकार का होता है, क्लिफ शेप का होता है। तो यार्डांग का जो ये आगे वाला हिस्सा है ये हमेशा कैसा होगा, क्लिफ शेप का होगा, सामान्य तौर ये कैसा होगा, क्लिफ शेप का होगा। तो इस तरीके से यार्डांग्स का फॉर्मेशन होता है जब बेड्स वर्टिकली बेडेड हो, और अगर हॉरिजॉन्टली बेडेड हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो आपके ज्यूजन्स का फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आकृति है इसे हम कहते हैं स्टोन लेटाइस। स्टोन लेटाइस क्या है कि जब आपकी जो बेड है रॉक बेड है उसमें कहीं सॉफ्ट रॉक है कहीं हार्ड रॉक है, ठीक है, यानी रैंडमली सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक का क्या है, चट्टान में बेड में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो होगा क्या कि वायु जो है वो समय के साथ जो इस रॉक का सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसे क्या कर देगी, अपरदित कर देगी, और जो हार्ड वाला हिस्सा है वो क्या होगा, वहीं पे छूट जाएगा। आने वाले समय में एक ऐसी आकृति बनेगी जो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, जैसे कि आपको इन तस्वीरों में दिख रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोन लटाइस। इसके बाद जो अगला फीचर है उसे हम विंड ब्रिज और विंडोज कहते हैं। जब वायु जो चट्टान है उसके बीच वाले हिस्से को अगर अपरदित कर दे तो ये किसकी तरह बन जाएगा, ये खिड़की तरह बन जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विंडोज कहते हैं। और अक्सर होता क्या है कि इस विंडोज का अगर ऊपर वाला भाग इंटैक्ट है तो वो एक ब्रिज का काम करता है, यानी अगर चट्टान पे आपको इस जगह से इस जगह जाना है तो इस वाले हिस्से के ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा, ब्रिजेस का फॉर्मेशन होगा। तो जो अंदर छेद है वो आपका क्या हो गया, विंडो हो गया, और जो ऊपरी हिस्सा जो जुड़ा हुआ है जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ब्रिज कहेंगे। तो इस तरीके से विंड ब्रिज और जो विंडोज है उनका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो आपका अगला फीचर है इसे हम कहते हैं ड्राई कांटर। क्या कहा जाता है इसे, ड्राई कांटर। ड्राई कांटर देखिए बहुत ही सिंपल है। ड्राई कांटर में होता क्या है कि अगर कोई रॉक जमीन पे पड़ा हुआ है और मान लीजिए कि हवा उस रॉक के एक हिस्से को अपरदित करके प्लेन कर ले, यानी एक लगभग गोल रॉक था ऑलमोस्ट और उसके एक हिस्से को क्या कर दिया, उसने अपरदित करके फ्लैट कर दिया विंड ने। तो इस तरह के रॉक जिनका एक साइड क्या है, पॉलिश्ड है, एक हिस्सा अगर फ्लैट है उसे हम क्या कहते हैं, आइन कांटर कहते हैं। क्या कहते हैं, आइन कांटर। लेकिन अगर रॉक के दो हिस्से, एक इस तरफ और एक मान लीजिए कि दूसरा जो हिस्सा है वो उसके ठीक पीछे जो है, दोनों तरफ क्या है, विंड से पॉलिश होके प्लेन हो गया, तो जब किसी रॉक में दो प्लेन सरफेस पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ज्वाई कांटर कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्वाई कांटर, यानी दो तरफ क्या है, फ्लैट हिस्सा है। और मान लीजिए कि जैसे ये रॉक है इसका तीन तरफ फ्लैट है, एक दो और तीसरा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ड्राई कांटर। क्या कहेंगे, ड्राई कांटर, यानी वन साइड जो पॉलिश्ड रॉक है उसे आइन कांटर कहेंगे, अगर वो दो साइड है तो उसे ज्वाई कांटर कहेंगे, और अगर तीन साइड से है तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्राई कांटर। अब ये हम लोग ने पढ़ लिया इरोशनल लैंडफॉर्म्स, अब हम लोग बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। वो लैंडफॉर्म्स जो किसके द्वारा बनते हैं, जो निषेध द्वारा बनते हैं, डिपोजिशन द्वारा बनते हैं। डिपोजिशन द्वारा जो सबसे जो वाइड स्प्रेड आपके जो लैंडफॉर्म है ये सैंड रिपल्स होते हैं। सैंड रिपल्स आपने रेत में मूवीज में टीवीज में देखा होगा आपने, या कभी रेगिस्तानी इलाकों में गए होंगे तो आपने देखा होगा किस तरीके के आपको क्या दिखाई दे रही है, वेव स्ट्रक्चर, वेव जैसा स्ट्रक्चर रेत में दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सैंड रिपल्स कहते हैं। ये जो सैंड रिपल्स हैं ये बहती हुई हवा के द्वारा बनते हैं ये, और ये उस डायरेक्शन में आगे की तरफ प्रोपोगेट करते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो अगर हवा इस तरफ डायरेक्शन में चल रही है तो ये जो सैंड रिपल है वो हवा के डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैंड रिपल्स कहते हैं, जो हमेशा जो वेव लाइक होते हैं और हमेशा माइग्रेट करते हैं विंडवर्ड, विंड की डायरेक्शन में जो रिपल्स हैं ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे।
इसके अलावा जो आपको रेगिस्तानी इलाकों में हमेशा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये सब क्या है, सैंड ड्यून्स है, ये रेत के क्या है, टीले हैं। तो ये जो सैंड ड्यून्स है ये रेगिस्तानी इलाकों में आपको सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण बहती हुई हवा से होता है। और ये भी क्या होते हैं, बहुत टेम्प्रोरी इन नेचर होते हैं, वो हवा के साथ इनकी जो आकृति है और वो क्या होती है, बदलती रहती है। और इनका जो क्षेत्र है वो भी क्या होता है, बदलता रहता है। यानी ये जो सैंड रिपल्स है, ये जो सैंड ड्यून्स है, ये हमेशा क्या करते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे। सैंड ड्यून्स कई तरह के होते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सैंड ड्यून्स है उसे हम कहते हैं बरखांस। क्या कहा जाता है, बरखान। ये देखिए एक तस्वीर है, एरियल फोटोग्राफी है किसकी, बरखान की। आप देख सकते हैं ये देखिए एक सैंड ड्यून है, उसके दो हॉर्न्स हैं, सिंह जैसा निकला हुआ है ना। तो ये एक सैंड ड्यून्स है जिसके क्या है, दो हॉर्न्स है। तो इस तरह के हॉर्न्स वाले जो सैंड ड्यून्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है समझने वाला, कोई वो विंड की डायरेक्शन है कि विंड की डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह तस्वीर में अगर आप देखें तो ये एक सैंड ड्यून है और ये विंड की डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये विंड आगे की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इस जो बरखान है इसका ये वाला जो साइट है जिसकी स्लोप क्या है, बहुत कम है, जिसकी स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, एंगल क्या है, कम है। तो ये जो लो एंगल वाला विंडवर्ड साइड है, क्या है ये, लो एंगल वाला विंडवर्ड साइड, उसके ठीक अपोजिट में दूसरा साइड है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लिप साइड। दूसरे साइड को हम क्या कहते हैं, स्लिप साइड। और स्लिप साइड जो होते हैं इनका जो एंगल होता है बहुत स्टीप होता है। अगर आप देखें तो इन तस्वीरों में ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, आपका स्लिप साइड है। तो ये आपका स्लिप साइड हो गया जिसका एंगल स्टीप होता है, ऑलमोस्ट वर्टिकल होता है। और ये दूसरा साइड है, इसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, इसका एंगल क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस तरीके से आपके ये जो बरखान से इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो साइड है वो क्या है आपका, ये कॉन्वेक्स है। इस साइड वाला हिस्सा क्या है, कॉन्वेक्स है। और ये जो हिस्सा है वो क्या है, कॉनकेव साइड है। दूसरा जो ड्यून है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स जो है उसमें क्या होता है कि ये जो ड्यून्स हैं ये विंड के डायरेक्शन के 90 डिग्री एंगल में बनते हैं। तो अगर विंड का डायरेक्शन ये है तो ये कैसे बनेंगे, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो वो ड्यून्स जो विंड डायरेक्शन के 90 डिग्री एंगल बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सिव ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून्स जो है वो कहते हैं। ये जो ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं ये आकार में कई बार बहुत बड़े होते हैं, कई बार ये 50 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। तो इनकी जो तस्वीर है वो लेना जरा सा आसान नहीं है, तो उसको सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं आमतौर पे उसमें उन्हें समझा जा सकता है। तो ये रिजेस की तरह होते हैं। देखिए इसका ये साइड जो विंडवर्ड है उसकी स्लोप कम होगी, और वो साइड जो लीवर्ड है उसकी देखिए स्लोप क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो विंडवर्ड साइड लेस होगी और लीवर्ड स्लोप क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टीप एंगल का। और इनका इनका इनकी स्थिति क्या होगी, हमेशा विंड के चलने की जो दिशा है उसके 90 डिग्री से क्या बनेगी, ये राइट एंगल जो है उसको बनेंगे। तो ऐसे ड्यून्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं। और आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि ये जो ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं ये एक दूसरे के पैरल पाए जाते हैं, समानांतर पाए जाते हैं। आप अगर इस तस्वीर में देखें तो ये बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ये एक ट्रांसवर्स ड्यून है। तो ये आपका ये साइड देखिए डार्क वाला जहां परछाई पड़ रही है, स्टीप एंगल वाला आपका लीवर्ड साइड है, ठीक है, या स्लिप फिट्स जिसे कहते हैं। और ये दूसरा साइड जो है आपका ये विंडवर्ड साइड है, इसका एंगल क्या है, काफी ज्यादा कम। देखिए एक दूसरा ट्रांसवर्स ड्यून यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये कैसे मिलते हैं, आमतौर पे एक दूसरे के समानांतर। तीसरा जो ड्यून है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। कैसा ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है ये पैरेलल होते हैं विंड की डायरेक्शन के। तो देखिए विंड ये बह रही है तो ये क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। तो ऐसे ड्यून्स जो विंड की डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। याद रखिएगा किसके द्वारा बन रहे हैं, ये डिपोजिशन द्वारा बन रहे हैं। किसके द्वारा बन रहे हैं, डिपोजिशन द्वारा। इसको कंफ्यूज मत करिएगा आप ड्यूजन के साथ। तो वहां पे क्या है, वो इरोजन के लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बन रहे हैं, ये वायु के डिपोजिशन द्वारा बन रहे हैं। तो ये देखिए एक सेटेलाइट तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून्स है वो बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है वो बहुत ही क्लियर है। तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होते हैं, विंड के पैरेलल चलते हैं। और जो आपके ट्रांसवर्सिव ड्यून होते हैं ये विंड से क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आखिरी जो आपका ड्यून है उसे हम कहते हैं पैराबोलिक ड्यून। पैराबोलिक ड्यून बरखान की तरह ही देखने में होता है, लेकिन पैराबोलिक ड्यून जो है उसमें विंड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल उल्टी होती है। यानी देखिए आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं विंड की डायरेक्शन जो ये है और जो इसके हॉर्न्स हैं उस डायरेक्शन से विंड जो है वो दूसरी तरफ जा रही है। इसकी सारी फीचर सेम है, जो इसका जो विंडवर्ड साइड है उसकी बस स्लोप क्या है, ज्यादा है। और जो इसका स्लिप फेस है उसकी स्लोप क्या है, कम है। तो स्टीप स्लोप होगा विंडवर्ड साइड और अपोजिट साइड स्लिप क्या होगा, स्लोप जो है वो कम होगा।
इन इस तरह के जो पैराबोलिक ड्यून्स हैं, ये आमतौर पे बीच पे बनते हैं। बीचों में आपने देखा होगा नदी के, समुद्र के किनारे रेत बहुत ज्यादा होती है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन है और यहाँ वेजिटेशन है, तो जब हवा चलेगी तो वो जो बालू है वो जो, क्योंकि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है, रोकते हैं, तो जो रेत होती है वो इस पौधों के साथ रुकने लगती है। और जैसे जैसे रेत जो है पौधों के साथ लुकने लगेगी, जो रेत का टीला है वो पीछे की तरफ बनने लगेगा अगर हवा इस डायरेक्शन से चल रही है। आगे चलने के बाद वो जो टीले हैं आपस में मिल जाएंगे और इस तरीके से पैराबोलिक जो ड्यून है उनका निर्माण करेंगे। तो ये जो ड्यून्स हैं ये समुद्र के किनारे आमतौर पर मिलते हैं और बरखान जैसे ही होते हैं, लेकिन विंड की डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है। और बरखान पैराबोलिक ड्यून बनने के लिए क्या है, अवरोध जरूरी है। क्या जरूरी है, अवरोध जरूरी है। लेकिन जो आपके बरखान होते हैं उनमें अवरोध की कोई खास जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से ये चार तरह के ड्यून्स आपने पढ़े। अब हम लोग आखिरी फीचर की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं लुईस। लुईस बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। लुईस बेसिकली क्या है, ये मैदान है बहुत बड़े बड़े, और इनमें जो मिट्टी है वो बहुत ही बारीक मिट्टी होती है, बहुत फाइन मिट्टी होती है। लुईस जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, ये देखिए, अगर आप दुनिया भर का नक्शा देखें तो ये लुईस के डिपोजिशन है। ये दो तरह के डिपोजिशन है, एक जो है ये जो रेड कलर वाले हैं ये वो डिपोजिशन है जिनके बारे में हमें जानकारी है। ये जो लोयस है इनका फॉर्मेशन क्या था, उस कैसे होता है। लोयस दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं डेजर्ट लोयस और दूसरे को हम कहते हैं ग्लेशियर लोयस। होता क्या है कि जब डेजर्ट इलाके से हवा उठती है आगे की तरफ चलती है, तो हवा रेत के जो बहुत बारीक कण है, बहुत महीन कण, इतने बारीक जो हवा में आमतौर पर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, वो हवा के साथ आगे जाते हैं और फिर वो हवा जहां पे स्थिर हो जाती है वहां पे ये बारीक कण धीरे धीरे सतह पे नीचे की तरफ बैठ के जो भूमि है उसमें एक चादर की तरह ऊपर कहते हैं चढ़ से जाते हैं, उसकी तरह उनका डिपोजिशन हो जाता है। ये ठीक लगभग वैसे ही होता है जैसे अगर आपने हम रूम को बंद कर दें एक हफ्ते के लिए और जब दोबारा आके खोलें तो आप देखेंगे कि रूम में एक पतली सी परत है, किसकी, मिट्टी की, रेत की, डस्ट की एक परत है। वो डस्ट कहाँ से आई, वो डस्ट एक्चुअली आपके रूम के अंदर ही थी, लेकिन जब तक आप रूम में आ जा रहे थे तो क्योंकि विंड जो हवा है उसमें बार बार मोशन हो रहा था तो वो डस्ट ऊपर ही फ्लोट कर रही थी, वो सेटल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही आपने रूम बंद कर दिया एयर बिल्कुल क्वाइट हो गई, और जब क्वाइट हो गई तो वही स्मॉल फाइन पार्टिकल धीरे धीरे सेटल होके एक परत की तरह सारे जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, चादर की तरह फैल जाएंगे। तो ये जो लोयस हैं ये चादर की तरह क्या है, इन इलाकों में फैल गए हैं। और इन लोयस, ये जो लोयस होते हैं इसमें जो मिट्टी के कण है वो क्या है, बहुत बारीक है, फाइन है। तो जब रेगिस्तानी जो हवाएं हैं इनके द्वारा जिन लोयस के मैदानों का निर्माण हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट लोयस कहते हैं। और वो लोयस जिनका निर्माण कैसे हुआ है, ग्लेशियस से हुआ है। जब ग्लेशियस आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी बहुत सारे जो महीन जो बारीक कण हैं उन्हें आगे लेके जाते हैं, और फिर जब वहां से जो पानी है उन महीन बारीक कण को आगे ले जाके आगे की तरफ डिपोजिट कर देता है कुछ खास इलाकों में। तो उस महीन डिपोजिशन से जो मैदान बनते हैं उन्हें हम ग्लेशियल लोयस कहते हैं, ठीक है। हवा भी कुछ ना कुछ रोल इसमें प्ले करती है। तो इस तरीके से दो तरह के लोयस होते हैं, वो लोयस जो ग्लेशियर से बनते हैं उनको ग्लेशियल लोयस कहते हैं, वो लोयस जो रेगिस्तानों से बनते हैं उन्हें डेजर्ट लोयस कहते हैं। लोयस का एक बहुत बड़ा जो डिपोजिशन है वो इन चाइना वाले इलाकों में जो है उनमें पाया जाता है। और ये जो लोयस की मिट्टी है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये बहुत फर्टाइल और उपजाऊ मिट्टी होती है। ये यूरोप के जो लोयस के मैदान है ये ग्लेशियल वाले लोयस हैं, और चाइना के जो लोयस के मैदान है ये किससे बने हैं, ये डेजर्ट जो लोयस है उससे बने हैं, ये डेजर्ट लोयस है। ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है जैसा कि मैंने बताया आपको। और इस मिट्टी का दूसरा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल है वो पॉटरीज बनाने में है। आपने सुना होगा चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं बहुत ही फेमस हैं दुनिया भर में, बहुत लाइट वेट होते हैं और ट्रांसलूसेंट होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। ये जो मिट्टी है वो इस तरह के बर्तन बनाने के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा आइडियल है। इसी वजह से जो चीनी मिट्टी के बर्तन है वो दुनिया भर में बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे लॉपाला, वो क्या करती हैं, वो इन्हीं चीनी मिट्टी से, इन्हीं मिट्टी से जो लोयस की मिट्टी है इन्हीं से क्या पॉटरीज बनाती है, क्योंकि मिट्टी बहुत फाइन है। तो इनसे बनाई गई जो पॉटरीज है, जो कप है, जो प्लेट्स है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। साथ में मैंने आपको बताया कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होती है। तो अगर आप देखें तो आपको पता होगा यूरोप में लोयस के बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं, और यूरोप के जो बालकान कंट्रीज हैं आसपास ये पूरा लोयस का डिपोजिशन पाया जाता है। और यहाँ पे खेती की जाती है ट्यूलिप की। ट्यूलिप अगर आपने देखा हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ट्यूलिप्स। ट्यूलिप में वो डिफरेंट कलर के होते हैं और दुनिया भर में जो ट्यूलिप्स हैं उनकी बहुत ज्यादा क्या है, डिमांड है। तो ये इन इलाकों में ट्यूलिप की जो खेती है वो आमतौर पर जो लोयस है उन मैदानों में की जाती है। लोयस की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोयस, क्योंकि इसमें मिट्टी के कण बहुत ही बारीक होते हैं,
तो ये चिकनी मिट्टी की तरह होता है, तो पानी जो होता है इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो जब चादर की तरह जब ये लोयस के मैदान फैल जाते हैं, तो जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जाता है, और जब बारिश का पानी पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जाता है तो उससे होता क्या है कि जो प्री एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म है यानी लोयस के निक्षेप से पहले की जो आपकी स्थलाकृतियां हैं वो संरक्षित और सुरक्षित हो जाती है। यानी इन इलाकों में जिनमें लोयस के मैदान पाए जाते हैं, आप वहां से आप लोयस की मिट्टी हटाइए तो नीचे आपको वो लैंडफॉर्म मिल जाएंगे जो उस निक्षेप से पहले वहां पे क्या थे, स्थित थे। यानी लोयस का फायदा एक क्या है, लोयस का एक फायदा ये है कि लोयस किसका, लोयस जो पूर्व स्थित स्थलाकृतियां होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म जो होती हैं, उन लैंडफॉर्म्स को कंजर्व कर लेती है, संरक्षित करती है। तो जो जियोमॉर्फोलॉजिकल और जियोलॉजिकल स्टडी में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं किसके, लोयस के। लोयस में जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, क्वार्ट्स पाया जाता है। इसमें 60-70% क्वार्ट्स होता है, और कभी कभी जो इसका परसेंटेज है वो 40-80 भी हो सकता है, ये वेरी करेगा। फेल्डस्पार और जो माइका है वो 10-20% इसमें होते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन किसका है, क्वार्ट्स का जो कंसेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा इसमें ज्यादा पाया जाता है। और कुछ मात्रा में जो कार्बोनेट्स हैं, 5-35% के बीच में कार्बोनेट्स भी मिलते हैं। तो इस तरीके से जो लोयस हैं ये दुनिया भर में पाए जाते हैं, और क्योंकि लोयस की इकोनॉमिक वैल्यू है इसलिए लोयस जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जो सरकारें हैं वो एक रिसोर्स की तरह जो है उस लोयस को देखती हैं, और रिसर्चर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स की जो स्टडी है उसमें रोल लोयस क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आज के लिए था, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।